गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू चटपट न्यूज़। आज हमारे पास एक बहुत ही चटपटी न्यूज़ है जो कि आपके लिए खट्टी भी होगी। न्यूज़ ये है कि चाइना में डिटेक्ट किया गया है एक नया प्रकार का वायरस जो कि बहुत ही खतरनाक है और साथ में जानलेवा भी है। तो हम आपके लिए बनाए हैं एक नया वीडियो जो कि आप देखेंगे तो आपको उस वायरस से पूरी जानकारी हो जाएगी। आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मिल जाएगा जो कि आपको उस वायरस से रिलेटेड जानना होगा। हमने जो वीडियो तैयार किया है उस वीडियो में ये बातें मौजूद है कि ये वायरस आखिर है क्या, ये वायरस आया कहाँ से है, इसके प्रभाव हम पर और समस्त जीव जंतु पूरी धरती पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लक्षण क्या है, इस वायरस से बचने के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें लेना चाहिए और इस वायरस को दूर करने के लिए हमारी बॉडीज में ना आने देने के लिए वैक्सीन्स जो बनाई गई है उस वैक्सीन्स के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और हमने कुछ पोस्टर्स कलेक्ट किया है जिसमें बहुत सारी बातें कहने को है। तो चलो ये वीडियो देखो और समझो कोरोना के बारे में। आज यहीं कहीं पढ़ा था कि प्रॉब्लम्स की सीमा नहीं होती है, उनकी लिमिट्स नहीं होती है, वो तो उस पर निर्भर रहता है कि हम उस प्रॉब्लम को हमारे हिसाब से कैसे हैंडल करते हैं। और अगर आज मैं अभी की आज की बात करूं तो ये 100% परफेक्ट है अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसके लिए। हर जगह पर यही बातें हो रही है और हर कोई सोच रहा है कि हम ना इसकी झपट में आ जाएं। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कोरोना वायरस पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज इस विषय पर बात करना, कोरोना वायरस विषय पर बात करना हमारे लिए बहुत ही यूजफुल और इम्पॉर्टेंट हो। हम हमारी ड्यूटी मानते हैं कि आपको करंट सिचुएशन से पूरा सूचित करें। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। हो सकता है कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको किसी न किसी दिन काम आ जाए। अवेयर रहना बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में जो जानकारी हमने आपको देने की सोची है उस जानकारी को हमने प्राप्त किया है पूरा 2 से 3 महीने में। हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर की है आपको बताने के लिए। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसमें जो बातें हम आपसे शेयर करने वाले हैं ये आपको नहीं पता होगी, ज़्यादातर बातें आपको पता नहीं होगी, कुछ कुछ बातें ऐसी है जो आपको पता होगी। पूरी जानकारी पाने के लिए, पूरा कोरोना को पहचानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने इस वायरस के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना भी होगा जो कि एक प्रकार का इन्फेक्शियस एजेंट है। तो ये वायरस अपने आप को खुद से डेवलप नहीं कर सकता है, ये वायरस ढूंढता है जीवित कोशिकाएं, यानी कि लिविंग सेल्स ये वायरस ढूंढता है जिसमें कि वो जाए अपने आप को डेवलप करे, रिप्रोड्यूस करे और अपने आप को जितना ज़्यादा एक्सटेंड तक हुआ उतना ज़्यादा फैलाए। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, सुना होगा कि ये वायरस करोड़ों जनसंख्याओं को संक्रमित कर रहा है और उनकी जान भी ले रहा है। तो इस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। इस वायरस की शुरुआत, कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है चीन के एक शहर वुहान से। और ये देश इसी वायरस से सभी समस्त देशों को प्रभावित कर रहा है। कोरोना वायरस वायरस का बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है। ये वायरस
कुछ एनिमल्स जीव जंतुओं में भी पाए जाते हैं। साइंटिस्ट इसे ज़ूनोटिक कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये वायरस जानवर से इंसानों में फैलता है। ये वायरस हमारी बॉडी में नॉर्मल सर्दी जुखाम से लेकर रेस्पिरेटरी सिस्टम की गंभीर समस्या भी पैदा कर सकता है। इस वायरस का नाम लिया गया है लैटिन लैंग्वेज से। कोरोना का मतलब है कि क्राउन, क्राउन यानी कि ताज, जो कि रानी राजा पहना करते थे। इस वायरस का नाम उस पर रखा गया है जैसे ये दिखता है। कोरोना वायरस वायरसेस का बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है, तो कोरोना वायरस के वायरसेस ये हैं, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि मर्स, और दूसरा वाला है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि सार्स। कोरोना वायरस के यही दो वायरसेस हैं, मर्स और सार्स। मर्स वायरस साल 2012 में सऊदी अरब में सबके सामने आया है। उसके बाद ये मर्स वायरस दूसरे देश जैसे कि अफ्रीका, यूरोप और एशिया में फैल गया था। कोरोना वायरस का दूसरा वायरस सार्स, जो कि साल 2003 में सबके सामने आया था, और 2003 में सार्स की वजह से ही पूरी दुनिया में 700 लोगों की मौत हो चुकी थी। लेकिन उससे अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी दिन ब दिन पूरी दुनिया में लाखों से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। फिर 2015 के बाद कोरोना वायरस के किसी भी ग्रुप ऑफ वायरस से दुनिया को सामना करना नहीं पड़ा। लेकिन दिसंबर 2019 में WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक नया ऐलान किया था कि कोरोना वायरस उसका एक नया ग्रुप ऑफ वायरस डेवलप हुआ है, जो कि था नोवेल कोरोना वायरस। ये नोवेल कोरोना वायरस बिल्कुल सार्स की तरह ही था, जो कि पूरी बॉडी पर इफेक्ट कर देता है और जान भी लेता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक ये वायरस नोवेल कोरोना वायरस ज़्यादा फैला है सी फूड खाने से। ये जैसा कि आपको मैंने बताया था कि वायरस कोरोना वायरस अपने आप को डेवलप नहीं कर सकता है, ये जीवित पोषिकाएं ढूंढता है अपने आप को डेवलप करने। एनिमल्स में भी एक प्रकार का जीवित पोषिकाएं होती है, तो उसमें ये जाकर वायरस अपने आप को डेवलप कर रहा था। और चाइना के लोग सी फूड को ज़्यादा खाते थे, उससे ही ज़्यादा वायरस ये फैलने लगा है। इस वायरस की शुरुआत चाइना के वुहाई के वुहान शहर के सी फूड बाजार से ही मानी जा रही है अभी तक। हैरान करने वाली बात ये है कि इस वायरस से, नोवेल कोरोना वायरस से सिर्फ इंसान ही संक्रमित नहीं हो रहे हैं, ये वायरस एनिमल्स यानी कि जीव जंतुओं जैसे कि ऊंट, बिल्ली और सुअर को भी संक्रमित कर रहा है। सी फूड खाने से ये वायरस चीन के लोगों में फैला है, और साइंटिस्ट ये भी बता रहे हैं कि ये वायरस चमगादड़, सांपों को भी बताया गया है। चमगादड़ एक ऐसा जानवर है जिसमें सार्स और मर्स दोनों भी प्रकार के कोरोना वायरस मौजूद होता है। कोरोना वायरस को वुहान वायरस भी कहा जा रहा है। शुरुआत में चीन के यात्रियों से ही कोरोना वायरस फैला है। चीन के यात्री समस्त धरती पर यहाँ वहाँ ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्हीं की वजह से ये पूरी धरती पर फैल चुका था। जब तक नए साल के साथ कोरोना वायरस ने अपने आप को भी डेवलप कर लिया था, जब तक नए साल में आया इस वायरस का न्यू स्ट्रेन, जो कि बहुत ही पावरफुल था।
पहला वाला वायरस नोवल कोरोना वायरस सिर्फ ज़्यादा उम्र वालों को ही संक्रमित कर रहा था और उनकी जान ले रहा था, लेकिन ये न्यू स्ट्रेन जो कि 2021 में आया था वो छोटे बच्चों को यानी कि अंडर 18 वाले बच्चों को बहुत ही ज़्यादा संक्रमित कर रहा है। ऐसा सुने में भी आया है कि ये न्यू स्ट्रेन जो कि 2021 में आया था ये आया है साउथ अफ्रीका में से, पर इसका पहला केस डिटेक्ट किया था यूके में। जो न्यू स्ट्रेन है उसे नेम किया गया था SARS-CoV-2 और डिजीज इससे जो होता है वो है COVID-19। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोरोना वायरस एक न्यू स्ट्रेन में आया है, SARS-CoV-2 में आया है। प्रॉब्लम ये है कि SARS-CoV-2 एक ऐसे रूप में आया है 2021 में बम्पर ऑफर की तरह, जिसमें ये 70% ज़्यादा हार्मफुल है नोवल कोरोना वायरस से। ये न्यू स्ट्रेन यानी कि SARS-CoV-2 जब यूके में पहली बार डिटेक्ट किया गया था तभी यूके ने अपने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया था। ये बहुत ही अच्छा काम किया था यूके ने, दूसरी कंट्रीज़ को भी बता दिया था कि हमारे पास ऐसा नया न्यू स्ट्रेन का वायरस डिटेक्ट किया गया है। कोरोना वायरस का न्यू स्ट्रेन आते ही और जब भी और यूके के लॉकडाउन घोषित करने के बाद ही 40 कंट्रीज़ ने यूके से ट्रैवल बैन कर दिया, यानी कि वहाँ पर से जो लोग यहाँ पर आ रहे थे उनका ट्रैवल बैन हो गया और यहाँ पर से भी जो लोग वहाँ पर जा रहे थे उनका भी ट्रैवल बैन हो गया। इंडिया में, भारत में पहला न्यू स्ट्रेन वाला केस SARS-CoV-2 वाला केस डिटेक्ट किया गया था आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, जो कि एक महिला संक्रमित हो चुकी थी SARS-CoV-2 से। न्यू स्ट्रेन कोरोना वायरस SARS-CoV-2 कोरोना वायरस की तरह ही संक्रमित करता है, और नया वायरस नया स्ट्रेन हमें कैसे संक्रमित करता है उससे जानने के लिए पहले हमें वो जानना होगा कि कोरोना वायरस हमारे बॉडी को कैसे संक्रमित करता है। इसलिए वैक्सीन की खोज भी की गई है। इस वैक्सीन में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है जो कि हमारे बॉडीज में इंजेक्ट होने के बाद एंटीबॉडीज पैदा कर देती है, जो कि इस कोरोना को हमारी बॉडी में फैलने से रोक देती है, हमें ज़्यादा इम्यूनिटी देती है ताकि हम ज़्यादा उम्र जी पाए और जल्दी रिकवर हो कोरोना वायरस से। नए वाले कोरोना वायरस की वजह COVID-19 को माना जा रहा है। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर होता है कुछ पिन के प्रकार, इसमें होते हैं 2 पार्ट्स, सर और दुम। इस स्ट्रक्चर में सर पानी से अट्रैक्ट होता है और दुम पानी से दूर भागती है, यानी कि रिपेल होती है, ये मैग्नेट्स की तरह ही है। तो इस स्ट्रक्चर में सर बाहर रहते हैं और दुम अंदर, जिससे कि होता है कुछ ऐसे। ये भी बताएंगे कि इस वायरस से बचने के लिए हम डॉक्टर्स ने हमको बोला है कि सैनिटाइजर्स का ज़्यादा ही इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र बेस्ट है या फिर साबुन। हम आपको ये भी बताएंगे, साबुन में रहते हैं करोड़ों मॉलिक्यूल जिसे एम्प्लीफाइल्स कहते हैं। तो ये एम्प्लीफाइल्स जाते हैं सेल में और उस स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं,
फिर ये एम्पलीफायर्स अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें ये पूरी तरीके से घेर लेते हैं कोरोना के स्ट्रक्चर को। फिर जब हम हाथ धोते हैं तभी ये सभी स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में से चले जाते हैं। तो साबुन काम करता है कुछ ऐसे, इसलिए हमें ज़्यादातर साबुन से ही हाथ धोने चाहिए, ना कि सैनिटाइज़र से। सैनिटाइज़र सिर्फ हमें वहाँ यूज़ करना चाहिए जहाँ पर पानी की कमी हो। तो सैनिटाइज़र काम करता है कुछ इस तरीके से। सैनिटाइज़र में रहता है अल्कोहल और इथेनॉल, जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है। जब हम सैनिटाइज़र को हाथ पर डालते हैं तो ये वही सेम सेल स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है और उसे कोलैप्स कर देता है। सैनिटाइज़र इफ़ेक्ट करता है 2 से 3 सेकेंड में, पर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं 20 सेकेंड्स, जो कि साबुन से लगकर धोने में होते हैं। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सालों से कैंसर पर काम कर रहे थे और उन्होंने एक दवा भी बनाई जिसे हम शॉर्टकट में 2DG कहते हैं। इसका पूरा नाम है 2-deoxy-D-glucose। हमारी बॉडी में सेल्स रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिविंग सेल्स, जीवित कोशिकाएं रहना हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सेल्स को ज़िंदा रखने के लिए हमारी बॉडी में चाहिए ग्लूकोज, जो कि 2DG ड्रग में मौजूद है। इस 2DG ड्रग में रहता है ग्लूकोज, बहुत सारा ग्लूकोज कंटेंट इसमें रहता है। तो ये 2DG वैक्सीन क्या करती है, ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट होने के बाद वो सेल्स पहचान लेती है कि जो अच्छे सेल्स है और जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित हुए सेल्स है जिसमें जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी डल चुका है और वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो ये 2DG ड्रग वहाँ पर जाती है और सभी अच्छे वाले सेल्स को ग्लूकोज सप्लाई करती है, लेकिन जो सेल्स में कोरोना वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल भी है और वो मल्टीप्लाई करना शुरू हो चुका है, वो सेल्स को वो ग्लूकोज सप्लाई नहीं करती है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि सेल्स को ज़िंदा रखने के लिए हमें ग्लूकोज भी चाहिए, हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए। तो जब ग्लूकोज उन्हें नहीं मिलेगा वो सेल्स मर जाएंगे। तो इसी प्रकार से 2DG ड्रग जो कि DRDO के द्वारा बनाई गई है वो भी बहुत ही हेल्पफुल है। ये 2DG ड्रग DRDO द्वारा बनाई गई ड्रग कोविड के लिए, कोरोना वायरस के लिए भी यूज़ की जा सकती है, पर ये पूरी तरीके से हमें रिकवर कर देगी, लेकिन ये पूरी तरीके से क्योर उसे नहीं करेगी। ये 2DG ड्रग आपको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की डिपेंडेंसी से छुटकारा पाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये 2DG ड्रग लेने के बाद अगर आपको कोरोना वायरस हो जाता है 2DG ड्रग लेने के बाद भी, तो ये आपको होम आइसोलेशन पर या फिर हॉस्पिटल जाने के वहाँ पर कुछ दिन आइसोलेशन रहने पर ही रिकवर कर देता है। ड्रग की एक गारंटी हमें मिलती है कि हम इससे वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी पर नहीं जाएंगे। हमारे देश के रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी जी ने इसराइल की एक कंपनी से समझौता किया है। ये कंपनी QBT टेस्ट करती है, यानी कि क्विक ब्रेथ टेस्ट करती है। QBT, ये QBT के सामने जब हम इनहेल करके एक्सहेल करते हैं कुछ ऐसे, तो ये जान लेती है कि हमें कोरोना वायरस है या नहीं। ये QBT हमें रिजल्ट दे देती है सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स में ही। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हो आप, 10 सेकेंड्स में ही आप जान सकते हो कि हमें कोरोना है या नहीं। ये भी बहुत ही यूजफुल मशीन है। QBT क्विक ब्रेथ टेस्ट को हम उससे रिलेट करते हैं जैसे कि पुलिस रात में चेक करती है, स्पेशली वीकेंड्स पर, कि हमने अल्कोहल को कंज्यूम किया है या नहीं। ये वैसे ही, एकदम वैसे ही है, सिमिलर है उस मशीन से जो कि अल्कोहल डिटेक्टर से जाना जाती है शायद।
उसमें भी हमें ऐसे ही फूंक मारनी होती है, तो वैसे ही ये भी कोरोना वायरस के लिए, कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल मशीन है QVT। अभी हमारे सामने ट्रिपल म्यूटेंट भी आ चुका है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि कोरोना वायरस जब अपने आप को म्यूटेंट कर रहा था, अपने आप को चेंज कर रहा था, वो उल्टा कमज़ोर हो गया है। ट्रिपल म्यूटेंट का वायरस अपने आप को ही मार रहा है, यानी कि ये सेल्स में सीधे से इंजेक्ट नहीं हो रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल पास ऑन नहीं कर सक रहा है और ये अपने आप को ही मार ले रहा है। ट्रिपल म्यूटेंट से फिलहाल कोई खतरा नहीं है, और अगर हम अभी भी लापरवाही से घूमें बिना मास्क के या बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए, बिना सैनिटाइज़र हाथों में अप्लाई करें या फिर बिना स्टीम लिए, बिना प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हुए अगर हम अभी भी लापरवाही कर रहे हैं तो हम इससे संक्रमित हो सकते हैं, तब ये डेंजरस बन जा सकता है हमारे लिए। आपने ये वर्ड भी सुना होगा, म्यूटेशन। आपको ये वर्ड पता नहीं होगा, इसका मतलब आपको पता नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है, म्यूटेशन का मतलब ये है कि चेंज करना, अपने आप को चेंज करना, अपने आप में कुछ चेंजेस लाना। आप एक बार साइन कीजिए कहीं पर भी पेपर पर, फिर वही साइन आप 100 times 100 बार दोहराइए, तो आपकी फर्स्ट साइन को कंपेयर कीजिए और 100 times 100वीं बार जो भी आपने साइन किया है उसको ऑब्जर्व कीजिए। उसके बीच में जो भी साइंस आपने किए हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया होगा, उसी चेंज को हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन हमारी बॉडी में भी होते रहते हैं, म्यूटेशन होना एक अच्छी बात है। म्यूटेशन को साइंटिफिकली भी अच्छा प्रूवन किया गया है, लेकिन कोरोना के तो लेने के देने ही पड़ गए, वो अपने आप को म्यूटेट करने ही वाला था, उल्टा कमज़ोर हो गया। हिस्ट्री में हमने देखा है कि जो भी दूसरे वायरस आए हैं उसमें सेकेंड वेव ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, उसके बाद होता है फर्स्ट वेव ज़्यादा खतरनाक। तो फर्स्ट वेव तो हमने झेल लिया, सेकेंड वेव हम झेल रहे हैं, थर्ड वेव उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि जब तक सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। थर्ड वेव को इंडिया में सितंबर से लेकर अक्टूबर तक के महीनों में प्रेडिक्ट किया गया है, लेकिन जब तक हम थर्ड वेव पर भी काबू पा लेंगे, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन है करीब 136.64 करोड़, तो जब तक 30% पॉपुलेशन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोरोना से जंग जीत चुके होंगे और देश में 20% जो छोटे बच्चे मौजूद है अंडर 18, उन्हें वैक्सीन की ज़रूरत तो होगी नहीं, और 35% पॉपुलेशन को जब तक वैक्सीन लग जाएगी तो टोटल होगा 30 + 20 + 35, ये होता है 85%। टोटल 85% तो देश जब तक सुरक्षित होगा, सेफ होगा, बाकी जो बचता है 15%, उनको बहुत ही ध्यान से रहना होगा इस थर्ड वेव से, क्योंकि उनके घर में बच्चे भी हो सकते हैं। अभी ऐसा प्रेडिक्ट हो रहा है कि थर्ड वेव बच्चों के लिए बहुत ही हार्मफुल होने वाली है, तो उन 15% लोग को बहुत ही ज़्यादा देख समझ कर रहना होगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं वैक्सीन्स के बारे में, जो कि भारत में बनाई गई है और दूसरी जगहों पर भी बनाई गई है। आपने कहीं से तो सुना ही होगा कि रूस की बनी हुई स्पुटनिक, जो कि दुनिया की पहली वैक्सीन है कोरोना से रिलेटेड, और ये बहुत ही फास्ट बनाई गई हुई वैक्सीन है। लोगों का कहना है कि यही सबसे बेस्ट वैक्सीन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पुटनिक वैक्सीन लेने के लिए 2 डोज है, सभी वैक्सीन के ऑलमोस्ट 2 ही डोज है। स्पुटनिक वैक्सीन लेने के लिए 2 डोज है, जिसके बीच में 21 डेज 21 दिन का गैप होता है, और वो काम करना शुरू कर देती है। स्पुटनिक वैक्सीन काम करना शुरू कर देती है वैक्सीन दोनों डोज लगने के 21 डेज बाद, यानी कि स्पुटनिक वैक्सीन काम करती है 42 डेज में।
और अब बात करते हैं हमारी भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के बारे में, जो कि फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच 28 डेज 28 दिन का गैप है, और ये काम करती है दोनों डोज लगने के 14 डेज बाद, तो इसका भी टोटल हुआ 42 डेज। कैलकुलेट करिएगा आप, तो आपने कैलकुलेट करा ही होगा कि दोनों वैक्सीन्स इफेक्ट करना शुरू कर देती है 42 डेज में ही, दोनों डोज लगने के बाद ही। तो ऐसा किसने कह दिया आपसे कि रूस की वैक्सीन हमारे भारतीय वैक्सीन से अच्छी है? कोवैक्सीन और स्पुटनिक दोनों भी एकदम एक्यूरेट है। स्पुटनिक 91% गारंटी देती है और कोवैक्सीन 82%। हम किसी भी वैक्सीन लेने से सेफ हो जाते हैं। वैक्सीन का काम है कि आपको आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बूस्ट करना, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, और दोनों वैक्सीन का यही मेन काम है कि आपको मरने से बचाना। स्पुटनिक लीजिए या कोवैक्सीन या कोविशील्ड, सभी वैक्सीन दुनिया में बनाई हुई सभी वैक्सीन्स का यही काम है कि आपको मरने से बचाना। अब दूसरी वैक्सीन बनाई गई हुई भारत में, जिसका नाम है कोविशील्ड। ये कोविशील्ड ज़्यादा टाइम लेती है इफेक्ट करने के लिए। फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच में 56 डेज का गैप होता है, और ये वैक्सीन काम करना शुरू करती है 14 डेज बाद, 2 हफ्ते बाद, जब फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों भी लग जाए। तो टोटल ये काम करती है 70 डेज में, और ये 81% की गारंटी देती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो कि है कोरोना से कैसे बचे, क्या क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स ले ताकि हम कोरोना से संक्रमित ना हो। आजकल हर किसी के पास कोरोना से बचने के लिए कोई ना कोई अजीबोगरीब नुस्खा जरूर होता है, पर जरूरी नहीं कि हर नुस्खा काम आए। हमें सिर्फ उन्हीं नुस्खों का पालन करना चाहिए जिसे डॉक्टर्स ने अप्रूव किया हो। वो कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम कोरोना से बच सके। आओ चलो। सबसे पहले तो हमें स्टीम लेना चाहिए। स्टीम को एटलीस्ट 2 बार लेना चाहिए, सुबह 1 बार और शाम को 1 बार। स्टीम को लेने का सही तरीका यह है कि हम नाक से सांस अंदर 10 बार ले और मुंह से छोड़े, और मुंह से सांस अंदर ले और नाक से छोड़े, ये 10 बार करना है। इससे हमारा जो पैसेज है लंग्स तक वो साफ हो जाता है और सांस लेने में आसानी होती है। दूसरी बात, हमें अपने डाइट पर कंट्रोल करना सीखना होगा, जैसे कि हमें जंक फूड और पैकेज फूड अवॉइड करना चाहिए, और इम्यूनिटी बूस्टर्स जैसे कि काढ़ा, ड्राई फ्रूट्स, बॉइल्ड एग्स होने चाहिए, और हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट भी होती है और हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। तीसरी बात तो यह है कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार। मास्क का उपयोग अवश्य करें, या तो आप N95 मास्क लगाएं। अगर आपके पास N95 मास्क ना हो तो आपको डबल मास्क लगाना पड़ेगा, पहले सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर कपड़े का मास्क। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 6 फीट की दूरी पर रहें और एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं। दूर से नमस्ते करने में ही अभी के लिए बहुत अच्छा होगा। बार बार हाथ आँख पर, नाक पर, मुंह पर, चेहरे पर ना लगाएं। इससे जो भी कीटाणु हमारे हाथ पर है वो चेहरे पर आकर वहाँ से डायरेक्ट हमें कोरोना हो सकता है। हाथों को हर 1 घंटे में धोएं, या तो उसे सैनिटाइज करें या फिर साबुन से धोएं। मोस्टली जब आपके पास पानी की कमी हो तब भी सैनिटाइजर यूज़ करें, या फिर साबुन को यूज़ करना ही अच्छा होगा। 20 सेकेंड तक हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। घर से तभी निकले जब बहुत ही आवश्यक कार्य हो, नहीं तो पब्लिक प्लेसेस को मोस्टली अवॉइड करने में ही भलाई होगी। बाहर से आने के बाद पहले जाकर पानी नहाना चाहिए। अगर आप बाहर से कुछ सामान लाते हैं तो उसे पहले सैनिटाइज करना चाहिए और 2 से 3 घंटे तक धूप में रखना चाहिए, ताकि जो भी उसके ऊपर कोरोना के बैक्टीरिया हो वो मर जाएं। घर का बना खाना ही खाइए,
अभी इसी वक्त घर के बने खाने से ज्यादा सुरक्षित और हेल्दी कोई से भी होटल का खाना नहीं है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा सर्दी हो और अगर आप बहुत ही ज्यादा बीमार हो तो फिर कोविड का टेस्ट कराने में देर ना करें। फर्स्ट मई से सभी 18 एंड अबव लोगों को वैक्सीन लग रही है। भारत में निर्मित वैक्सीनों के नाम है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हाँ, ये सही है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कुछ लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हर किसी की बॉडी अलग होती है, शायद उनकी बॉडी को यह वैक्सीन सूट नहीं हुई होगी। लेकिन अगर आप देखें तो जो भी संक्रमित हुए हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी टाइप्स को वैक्सीन सूट हुई। इसीलिए कोरोना की वैक्सीन लगाने में देर ना करें। लेकिन अगर आप वैक्सीन ले चुके हैं इसका मतलब यह नहीं कि आप ये सब नियमों का पालन ना करें। ये ज़रूरी है कि इन नियमों का पालन करते हुए भी आप आगे भी रहें। अभी सेकेंड वेव है, यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बंगाल में तो ट्रिपल म्यूटेंट आ चुका है, तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अभी और भी ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। इसीलिए आप इन सब नियमों का पालन करें, इन सभी प्रिवेंटिव स्टेप्स को पालन करते हुए उनका उपयोग करें। कोरोना महामारी पूरे संसार में फैल चुकी है और कुछ देश जैसे US, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, ब्राज़ील, फ्रांस, रशिया, ये टॉप 5 कंट्रीज है जहाँ पर कोरोना ने बहुत सारे लोगों को संक्रमित किया है। कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स चले गई, उनकी जॉब्स गांव पर लग गई थी, खाने के लिए कुछ नहीं था लोगों के पास, बस